शुभकामनाएं आपको। अब बहुत ग्रैंड लेवल में आज सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, पूरी टीवी इंडस्ट्री आज यहाँ पर पहुँचने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात, आप प्रेशर मत बढ़ाओ। पता चले आधे लोग आज कोई शूट पे बिजी है, कोई यहाँ बिजी है, बहुत बार ऐसा हो जाता है और आ नहीं पाते। बट अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली मोर देन मी, नेहा का आइडिया होता है कि सब लोग मिलें एंड शी लव्स टू पार्टी करें, हैंग आउट करें या मिल लें एटलीस्ट, बातचीत का मौका। और दिवाली का भी मौका है, बर्थडे भी है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी बहाने मिल लेते हैं सबको। और या आप लोग भी आ गए हो, आपको भी मिलेंगे, थोड़ी मुलाकातें बढ़ेंगी। पहले मैंने आदित्य को इस बारी बोला था कि पार्टी नहीं हो रही है और हम अपना अपना ही सेलिब्रेशन करेंगे, बट फिर मैंने सुमड़ी में घुमड़ी में सारी प्लानिंग कर ली एंड फिर मैंने इनको बताया कि पार्टी हो रही है। तो आपको कैसा लगा ये सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा। तो फिर मैंने प्लानिंग करी, तो मैंने सोचा बर्थडे है और दिवाली भी आने वाली है, तो ऐसा क्यों ना करें, यू नो, कुछ टू इन वन पार्टी करते हैं, थोड़ा धमाल करते हैं, सबको बुलाते हैं अपने दोस्तों को और थोड़े से मजे करते हैं। सो इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स। दिवाली तो मोस्टली घर पे होता है पंजाब में। अभी भी हम कल सुबह ही जा रहे हैं पंजाब, तो फैमिली के साथ। आई थिंक सबका ही फैमिली के साथ होता है मोस्टली, या हम चाहते हैं कि फैमिली के साथ हो। कई बार मजबूरी में नहीं जा पाते, काम की मशरूफियत होती है सबकी। But yes. तो पार्टी से सीधा फ्लाइट में जाएंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा तो वही है हमारे लिए इस वक्त, हमारा बेबी iMuse Academy जो हम दोनों ने बनाई पिछले साल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड स्पेशली हमारे जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस स्पेशली हैं हमारी इंडस्ट्री की, दे ऑल सपोर्टेड एंड दे ऑल आर, सब लोग आए हैं अभी तक और अच्छा जा रहा है। और बेस्ट बात यह है कि उसमें से काफ़ी विमेन स्पेशली फीमेल, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, सीखने को मिल रहा है मेकअप के लिए, हेयर के लिए। और नेहा कुछ ज़्यादा ही उम्दा टीचर निकली, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे अब पता चल रहा है। इंडिया की टॉप अकेडमी में आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस यस, और हमारी अकेडमी इंडिया की टॉप अकेडमीज में आई है, सेलिब्रिटी अकेडमीज में। सो इट इज़ अ गुड, यू नो, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जिस चीज़ को हमने बहुत मुश्किल से पिछले 2 साल लगा के खड़ा किया है, बनाया है, तो वो अब अच्छी कर रही है। सो ये पार्टी उसका भी सेलिब्रेशन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने श्रद्धा मैम के लिए कुछ सरप्राइज पार्टी रखा था, कुछ आपके सोशल मीडिया में मैंने देखा था, सरप्राइज पार्टी ना श्रद्धा मैम के लिए कुछ? अगर हम श्रद्धा से हम हर दूसरे दिन मिल रहे होते हैं और मुझे तो मैं समझा नहीं, सरप्राइज पार्टी कुछ ऑफिस में रखा। वो एकेडमी में आई थी, तो श्रद्धा एकेडमी में आई थी और मैंने उन्हें बोला था कि आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना है, तो उसको ये नहीं पता था कि उसके लिए भी एक ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। तो जब वो आई तो उनके ऊपर बहुत सारे रोज पेटल्स, उनकी आरती उतारेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक मम्मी बनने वाली है, सो वी वॉन्टेड टू सेलिब्रेट दैट एज वेल। एंड वो आई और उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को मेडल्स दिए, सर्टिफिकेट दिए, उनको विशेज दी, एंड या इट वॉज वेरी नाइस। थैंक यू। हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से, आप सभी को, हमारे फ्रेंड्स, फैंस, दर्शक, जो लोग भी हमें देख रहे पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी के लिए हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, परिवार के साथ रहिए, एंड स्टे सेफ। थैंक यू। फिर से एक बर्थडे पार्टी दिवाली, यू नो, पार्टी पर मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे अद्विक महाजन की बर्थडे पर आए हो? हाँ, ये एक ईयरली रिचुअल है जो निभाना ही चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और आई कुडंट हैव मिस्ड इट। बहुत अच्छे दोस्त हैं अद्विक और नेहा, दोनों ही मेरे, तो इट्स वंडरफुल बीइंग हियर फॉर देम। मैं इस बहाने अपने कुकून से भी निकल के आई, तो आई एम हैप्पी। Excuse me. Well, maybe soon. I don't know. मतलब अभी तो मैं I'm not at liberty to say anything. So maybe soon. आपने break लिया था? I wanted to travel. See, you've been जब आप continuously work करते हैं तो अगर आप immediately कुछ pick करते हैं, जैसे मुझे जो feel हुआ, एक तो जो भी opportunities आ रही थी, ऐसा मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मैं I'll do something different or
क्लैरिटी ऑफ थॉट कितनी है कैरेक्टर को लेकर मेकर्स के माइंड में, तो ऐसा कुछ मेरे को तब लग नहीं रहा था. तो एंड देन आई वॉन्टेड सम टाइम ऑफ सो दैट यू नो आपको एक ब्रेक मिले एंड यू नो आप थोड़ा फ्रेश हो, घूमो फिरो, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली. बिकॉज व्हेन यू गो बैक इनटू द होल जोन, आप यू नो हाउ इट इज़, यू आर वर्किंग 365 डेज, यू आर वर्किंग ऑन द फेस्टिवल्स, यू आर वर्किंग एवरी डे एंड फॉर सो लॉन्ग आवर्स दैट यू कैंट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. आपको अपनी फैमिली के साथ समय मिलता ही नहीं है. तो वो चीज़ मुझे थोड़ा यू नो कहीं ना कहीं बोल रहा था कि मैं थोड़ा आराम से पेशेंटली वेट फॉर समथिंग दैट आई रियली रियली वुड वॉन्ट टू डू. एंड तब तक आई वेंट एंड मेट माई फ्रेंड्स अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, माई फैमिली मेम्बर्स अक्रॉस द कंट्री. तो बहुत मज़ा आया मेरे को ये टाइम लेकर. आई विश आई हैड द लिबर्टी टू से एनीथिंग ऑन दैट बट मैं आई कॉन्ट. आपके मुंह में घी शक्कर. मैं तो बोल रही हूँ आपके मुंह में घी शक्कर. आई विश आई कुड सी. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नो समटाइम्स देर आर लीगैलिटीज, समटाइम्स यू हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द मेकर्स एंड द होल थिंग. तो अभी कुछ मेरे को I'm not at the liberty to say anything. Fortunately, he's so cute. Unfortunately. अच्छा अच्छा मेरे को लगा you are like fortunately you didn't go. यार आई वो मतलब एक तो ना my mama watches Big Boss अच्छे से एकदम रज के. तो उन्होंने मना किया हुआ है क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा है. उन्होंने तुम मत जाना बेटा, तो वहाँ से अलाउड ही नहीं है मुझे. तो वो एक सीन है कि बिकॉज हाँ बिकॉज आई थिंक शी थिंक्स दैट इफ़ यू आर रियली स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वो बोलेंगे बेटा तुम जाके ना खी करोगे सिर्फ जाके ये वो ऐसे नहीं होता. थोड़ा यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू यू नो फाइट एंड यू हैव टू लाइक. तो वो तुम डोंट लाइक शी इज़ लाइक नहीं मम्मा होती हैं तो सब फॉलो करते हैं. अदरवाइज अभी मम्मा दिवाली के बाद आएंगी तो तब करेंगे, अभी तो नहीं. अभी मैम प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई मुश्किल हो रही है आपको क्योंकि आपका जो शो था एक आपने तो बेंचमार्क आपने सेट किया है वो कैरेक्टर को लेकर, तो आप कुछ जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे होंगे तो आप उसको लेकर क्या आप मतलब कॉशियस रहते हैं? आई थिंक टू मच बर्डन इन योर माइंड ना वो दैट विल नेवर हेल्प. लाइक लाइफ में भी हेल्प नहीं करता है अगर आप कुछ ओवर थिंक करो किसी चीज़ को लेकर. तो लाइक वाइज इस चीज़ में भी ओवर थिंक करके कुछ नहीं होना. यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो. इफ़ समथिंग अट्रैक्ट्स मी, इफ़ समथिंग इज़ गुड, आई सी द पोटेंशियल, तो मैं इतना बर्डन नहीं लूँगी कि पास्ट का फ्यूचर में. आई लिव इन द प्रेजेंट एंड बी लाइक हैप्पी. मेरे दिवाली प्लान्स बहुत डाइसी है. I was planning to go to Agra but now it looks a little difficult. Let's see, I don't know. Okay, thank you so much guys. Okay, meri mai baat janmdin hai aaj ki, agar kya dena chahenge kis tarah ka celebration hone wala hai aur kya shubhkamnaye aap dena chahenge lovely couple. जो शुभकामनाएं देनी थी वो उनके एक्चुअल जन्मदिन पर हम दोनों ही दे चुके हैं. बट इट्स ऑलवेज ग्रेट क्योंकि आद्विक का बर्थडे और दिवाली की पार्टी एक साथ हम मना रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिचुअल जो हर साल हम हर साल आते हैं और उन्हें अच्छी विशेज देते हैं और गुड टाइम वी ऑल्सो सेलिब्रेट. या सो इट्स नाइस, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कम हियर एंड सेलिब्रेट. इसके बहुत ज्यादा प्लान है, ये जो अभी रिवील नहीं करेगी सीधा इंस्टाग्राम पे रिवील करेगी. आई एम मोस्टली ट्रैवलिंग बट पता नहीं है, तो बहुत ही ऐसे इम्प्रॉम्प्टू कुछ तो बन जाएगा, लेट्स सी. इस साल लाइक एवरी ईयर मैं अपने पेरेंट्स के साथ पूजा करूंगी, बहन के साथ बहुत सारी पिक्चर्स खींचूंगी इंस्टाग्राम पे, आप हॉट हॉट पिक्चर्स देखोगे, खुश होगे और बहुत सारी मिठाई खाऊंगी बस. मेरा एक शो है जो अभी दिसंबर में रिलीज होगा विच इज कॉल्ड पिरामिड, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आप दोनों की आउटफिट ऐसा लग रहा है बहुत
बड़े डिजाइनर से आपने लिया है, तो कुछ अगर आप बता सके कौन से डिजाइनर से आपने लिया है। मेरी मम्मी की साड़ी है ये, उससे बड़ा डिजाइनर पीस कोई हो नहीं सकता। जिन्होंने इसको डिजाइन किया है उसी की है। सो या आई मीन आई एम जस्ट वेयरिंग सीजंस का, इट्स एन अमेजिंग ब्रांड एंड आई एम वेयरिंग दैट। मेरे को बर्थडे पे तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे अद्विक बोलना चाहूँगी एंड हैप्पी दिवाली ऑफ कोर्स। मतलब आज अद्विक ने अपनी बर्थडे पार्टी वो जो प्री दिवाली बस के साथ रखी है ना, उसने फुल फील दे दिया दिवाली वाला। सो आई लाइक द फील ऑफ दिवाली ना, तो वो अभी से चलना स्टार्ट होगा एंड नाउ इट विल गो फॉर अ वीक एंड सो आई लव इट। येस देर इज वन सीरीज विच इज़ कमिंग जिसका टीजर इज ऑलरेडी आउट, यू कैन सी फर्स्ट कॉपी, और अभी तक ट्रेलर्स लॉन्च नहीं हुए। सो जल्दी, मे बी आई डोंट नो द डेट येट, तो जैसे ही वो आएगा मैं आप सबको जल्दी जल्दी से अपडेट कर दूँगी। यस, इट वॉज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। I loved working with him on that project. It's such a good project and a very nice concept. Something interesting. Very much interesting. It's very interesting. I don't know the date yet. So abhi tak final nahi hui hai. We were supposed to release it some time near Diwali, but now it's been postponed a bit. So I don't know. हाँ, मैंने भी पूरा नीचे इतना लंबा बिग बॉस पे लेक्चर दिया हुआ है। हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ। हाँ, सपोर्ट आई डोंट, आई एम लाइकिंग विवियन, बाकी आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, एवरीबॉडी इज नाइस एंड प्लेइंग वेल। विवियन आई डिडंट लाइक दैट फैक्ट इनिशियली, मतलब मुझे भी ऐसे लगा था दैट इट्स अनफेयर विद अदर्स, बट आई रियली लाइकड हिम हाउ ही टुक इट। उन्होंने कभी भी उस चीज़ को यू नो अपने सर पर नहीं चढ़ाया, या ही नेवर टुक एनी एडवांटेज ऑफ इट, ना ही उन्हें कोई एडवांटेज मिला। सो आई रियली लाइक द वे ही टुक इट एंड ही ट्राइज टू जेल विद एवरी वन एंड एवरीवन। थैंक यू वेल, दिवाली जब आ रही होती है पास तभी बहुत यू नो एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, हर किसी के यहाँ पार्टीज़ होती है, फिर सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि आज प्लीज़ तुम पार्टी मत रखना, आज मेरी पार्टी है। सो दिवाली जब आती है तभी यू नो एक द एक्साइटमेंट जस्ट यू नो इट स्टार्ट्स वे बिफोर, एंड अद्विक भैया का बर्थडे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टीज बिकॉज मैं एक्चुअली नेहा दी और अद्विक भैया से बहुत दिनों के बाद मिलने वाली हूँ एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट नाइट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। वेल एक्चुअली मुझे खाना बनाने का शौक़ बहुत पहले से था, बस फ़र्क ये है कि पहले मैं मीठा हमेशा बनाती थी, फिर चाहे वो ईद हो या दिवाली मेरे हाथों घर पे मीठा ज़रूर बनता था। अब जो है मैंने मेन कोर्स भी बनाना थोड़ा बहुत सीख लिया है, सो लेट्स सी। ईद पे तो मैंने बिरयानी बनाई थी, अब दिवाली पे क्या बनाती हूँ वो देखते हैं। यस, गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड, मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक है। मैं एक बहुत मेजर एक्सीडेंट से बची हूँ, आप सभी ने देखा, एंड अल्लाह का शुक्र है मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड रही बात मार्क्स की, मैंने पहले भी कहा था चांद पे भी दाग होता है, तो कोई बात नहीं, और मार्क्स है चले जाएंगे। थैंक यू। सीजन 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? I'm looking forward. I really hope कि सब कह रहे हैं सीजन 2 आने वाला है, आई रियली होप ये बात सच हो जाए, बिकॉज आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ लाफ्टर शेफ्स। वो दिल पे शो ना मेरे छप गया है और वो हमेशा रहेगा, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। कलर्स टीम
ऑप्टिमिस्टिक की टीम, वंकुश, ऑल ऑफ दीज गाइज, दे आर सो अनप्रिडिक्टेबल. हम जो पहले सोच के जाते थे ना, वो हमें कभी नहीं मिलता था. सो इट्स बेटर कि हम ज़्यादा अभी भी दिमाग ना लगाएं, बिकॉज जो पूरी टीम है वो हमसे दो कदम आगे ही चलने वाली है. तो एंड और ऑनेस्टली अगर हम सीख कर जाएंगे तो आप लोगों को स्क्रीन पर मज़ा भी नहीं आएगा, फिर फ़ायदा ही क्या शो बनाने का. क्या आप लोगों ने देखा नहीं, 13 stars थे हमारे पास शो में, इतना अच्छा बना लेते थे हम. सीजन 1 के एंड में एक मजाक हुआ था कि कुछ न्यू फेसेस भी होने चाहिए सीजन 2 में, एंड वो मजाक कहीं ना कहीं सच नजर आ रहा है. क्यों सच नजर आ रहा है? सच क्यों नजर ऐड हो गया थे, सुनाई दे रहा है. आप लोग को ही सुनाई दिया है, हमें तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया है. बट लेट्स सी, अब सारे एक्टर्स की डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है. वो सिर्फ दिखाई नहीं थी, वो है भी. पंद्रह साल से दोस्त है यार, मतलब हम वी नॉट फेकिंग इट, वो हमारा एक दूसरे के लिए सच का प्यार था जो दिख रहा था सबको, और आगे भी दिखेगा अगर हम दोनों सीजन 2 में रहे तो. बस अभी थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि मैं नेहा के साथ एक फ़ोटोशूट के लिए मिली थी, बट टर्न्स आउट कि उस दिन मैं अद्विक और नेहा दोनों के साथ आई एंडेड अप स्पेंडिंग 4-5 hours एट देयर प्लेस, एंड बहुत फन इंटरेक्शन रहा हमारा. उसके बाद हमने एक फ़ोटोशूट भी किया, देन वी हैड अ पार्टी अगेन. सो आई पर्सनली रियली लाइक दिस पावर कपल, नेहा एंड अद्विक, एंड आई एम सो हैप्पी टू कम टू देयर बर्थडे पार्टी. इससे पहले भी कई अपॉर्चुनिटीज़ रहे, बट यू नो इट वॉज डिफ़िकल्ट. फाइनली मेड इट टू दिस वन. और रही बात दिवाली की, तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का बहुत मन करता है. एंड आई मीन गॉड नोज वॉट नेहा इज़ कमिंग अप फॉर हर दिवाली फोटोशूट्स एंड ऑल दैट, एंड इट्स नाइस टू सी यू ऑल. मेरे तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ सिंपल दिवाली टाइम विद माई फैमिली, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए. थैंक यू. That is, you know, it's still under progress, but I will be the happiest to share it with you guys. Yeah, you know, come with a surprise. But yeah, I'll keep it close. Thank you. Nice to meet you guys. यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ मेल मेन लीड आर्टिस्ट, हमें एज एक्टर्स पता होता है कि जब हम किसी शो को साइन करते हैं, हमारी सोशल लाइफ अभी कुछ टाइम तक नहीं रहने वाली है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव होता है कि हम एंटरटेन करें, एक्टिंग करें 12-13 घंटे जो भी वी आर सपोज टू. उसके अलावा यू नो, अच्छा लगेगा कि अगर सभी आर्टिस्ट या एक्टर्स या जो भी टेक्नीशियंस है जो एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, अगर उन्हें टाइम पर पेमेंट मिल जाए. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यू नो सम पीपल हैव टू फॉलो अप. सो फार यू नो, मैंने बचपन से काम किया है, ऐसा कई बार कुछ प्रोडक्शन हाउसेज के साथ इशू हुआ है, कभी कईयों के साथ नहीं हुआ है, एंड इट्स अ वेरी रिलेटिव सब्जेक्टिव थिंग. बाकी एज एक्टर तो आई नो कि जब आप कोई चीज़ साइन करते हो, मेहनत करते हो, तो वर्किंग कंडीशंस से गुजरना ही पड़ता है. इट इज़ अ स्ट्रगल, बट इट्स योर वर्क. सो ना मिले हो आपको ऐसा कुछ, अगर होता है सब कुछ देखा है तो क्या कर सकते हैं. अभी आप बताना चाहे, आपने शेयर की है स्टोरी, तो प्रोडक्शन के नाम आप बता दीजिए, कौन से प्रोडक्शन हाउस पेमेंट नहीं देते सही टाइम पर, ताकि फिर मुझे कोई भी प्रोडक्शन हाउस ना मिलाए फिर बाद में, है ना, आप यही चाहते हैं. नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने शेयर किए इसलिए मैं पूछ रहा हूं. नहीं, अगर आप बोलोगे तो ही तो सच्चाई बाहर निकलेगी. हां हां, मैं ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट. और बाकी तो फॉर द लव ऑफ एक्टिंग काम तो करते रहना, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पैसा अटका हुआ है तो यू डोंट वर्क. सो या, होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग आप सबको आपके पेमेंट्स मिलते रहे, हैप्पी दिवाली, बोनस मिले. सो डबल धमाका करेंगे, डबल खाएंगे, हर चीज़ मैं दो दो बार लूँगा, अगर कुछ मीठा है तो वो भी दो बार, एक अद्विक के बर्थडे का और एक दिवाली का. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, बट इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी, एंड मुझे लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न, जो पार्टी सीज़न है दिवाली का, वो इस पार्टी से हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. क्योंकि मैंने अभी बोल रहा था किसी को कि नेहा और अद्विक की पार्टी में पूरा गैंग एक जगह मिल जाता है, दैट्स द बेस्ट थिंग.
एक्चुअली मैं अभी किसी को अंदर कह रही थी कि दो साल हो गए हमको और हमने ना कुछ खास पार्टी की नहीं जब से जैन आया हमारी लाइफ में, और एक दो जगह इम्पोर्टेंट जाना है तो एक घंटा जाके आ गए। अब क्योंकि वो दो साल का हो गया है और अब समझदार है, तो अब इस साल हमने सोचा है कि हम थोड़ा सारे फ्रेंड्स को मिल के आएंगे और जितनी पार्टी अभी भी कह रहा था पापा नो बट ऐसे नहीं, मैं नहीं जा रहा, बट हम निकला भी बट इस साल दिवाली स्पेशल इसलिए होगी क्योंकि अब वो समझदार हो गए। तो अब राम जी कौन थे, सीता माँ कौन थी, हनुमान जी वगैरह, तो मैं उसको सब बताना चाहती हूँ। आरती मेरे साथ गाता है, रात को जब हम सोते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसको थोड़ी थोड़ी आरतियाँ आती हैं, दिया जलाना है, दशहरा था, हम गुरुद्वारे जाते, तो अब वो इतना समझदार हो गया ना कि ही इज ऑल्सो एक्साइटेड, लाइट क्यों लगाई मम्मा, पटाखा आ रहे हैं, तो वो डरता भी है बट आई टेल हिम इट्स दिवाली बेबी इट्स ओके, थोड़े बहुत पटाखे कहीं से आ जाते, सो ही इज सो क्यूरियस और उसको इतने मजे आते हैं और हमको बताने में इसको इतने मजे आते हैं। थिंग्स बिकेम मच मच बेटर सिंस द टाइम ही केम इन आवर लाइफ, सो एवरीथिंग इज स्पेशल नाउ, और हर चीज अब उसके नजरिए से आई थिंक वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट ऑल द मोर। There's a lot of upcoming twists and turns. If I'll start here, the party will get over. So I'll tell you later on. But yeah, the show is doing really well, and I'm thankful to all the audience and fans. You know, it's a very different kind of a show. I never did a Muslim character before, so it's a special show for me as well. And I'm very happy. You know, it's doing so well at such an early slot. Prateek is like brother to me. So उनके साथ काम करने का एक मौका था कि काम करना है, काम करना है, हम दोनों काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, फाइनली हैपेंड, इट्स डूइंग सो वेल, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक इंसान है जिसका बर्थडे मैं कभी मिस नहीं करता, भले मैं कितना भी लेट शूट कर रहा हूँ मैं टपक जाता हूँ। सो नेहा अद्विक का बर्थडे हर साल, और क्या होता है, और भी कुछ होता है, और भी ये पार्टी करते रहते हैं, बहुत रोकड़ा है तो मैं हर साल आता हूँ। सो या आई विश अद्विक ऑल द बेस्ट हमेशा, एंड मेरा बड़ा भाई है। कुछ नहीं है, दिवाली पे भी इन्होंने रोक रखा है, दिवाली पे भी बुलाएंगे तब भी पहुँच जाएंगे, और उसके अलावा शूट कर रहे हैं दिवाली के दिन, दिवाली स्पेशल शूट कर रहे हैं, और बाकी घर पे टाइम बताएंगे। हे भगवान, आज मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक आज अद्विक के बर्थडे तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, आज बिग बॉस की बात कभी और करेंगे। नो कमेंट्स। अरे यार वो स्टेटमेंट ही गलत पकड़ा गया है और मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आई डोंट थिंक आई एम लायबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग। वो इंटरव्यू अगर आपने पूरा देखा है तो मैं जवाब दूंगा, क्लिप देखा ना बस, क्लिप के लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे बहुत सुपर्ब लग रहा है, आई थिंक छा रही है, दिल से खेल रही है, और जो लोग दिल से बिल्कुल मतलब एलिस को हम सब जानते हैं, जो यहाँ है वही वहाँ, मतलब वहाँ पे दैट्स क्लियर टू अस, सारी दुनिया तो बाकी, तो आई थिंक यार ऑडियंस इज किंग, और ऑडियंस पसंद करेगी जो दिल से कनेक्ट करेंगे, एलिस दिल से खेल रही है और दिल से खेलने वालों को लोग हमेशा पसंद करते हैं, सो आई जेन्युइनली थिंक कि एलिस आने वाले हफ्तों में, ऑलरेडी छा रही है, आने वाले हफ्तों में और उसकी गेम की डाइवर्सिटी लोगों को देखें। नहीं, लास्ट दो तीन एपिसोड से मुझे ऐसा लग रहा है एलिस समझ चुकी है कि उसे क्या करना है, और वो स्मार्ट इनफ है टू मेक दैट मूव, और अपना इंडिविजुअल गेम वो खेलेगी, उसमें बहुत दिमाग है। आई रियली होप एंड विश कि ऐसा कुछ कर पाऊँ, देखो गलती मैं, आई रियली होप एंड विश ऐसा कर पाऊँ, बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं अलग चैनल के लिए काम कर रहा हूँ, एंड उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ, अगर मैं जा पाऊँ तो मैं डेफिनेटली जाऊँ। उड़ने की आशा से फ्री हो जाए पहले, फिर देखते हैं। इस सीजन में सबसे टफ, गुड क्वेश्चन, मुझे अविनाश का गेम अच्छा लग रहा है, ही इज प्लेइंग वेल, बट थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा थोड़ा नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा। आई थिंक करणवीर मेहरा
Karanveer Mehra is, I think, a very calculative contender. And Vivian, मुझे लगता है थोड़ा smartly खेल रहा है, you know. So yeah, these three. And Alice, of course. मतलब without any bias जवाब दो. अद्विक मुझे नहीं लगता Big Boss देखता होगा. मैंने मैंने starting का एक वो weekend का बार देखा था. और वही देखा अभी तक. But इसको मालूम है. Social media पे दिख जाता है थोड़ा 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 थोड़ा. Yeah. मेरा एक ना एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर तू एडिट करा के दे देगा स्टार से तो मैं चला जाऊंगा. क्यों? मैं उनको आपका रेफरेंस दे दूंगा, अगर वो मान गए तो मैं चला जाऊंगा. मैं रेफरेंस दे दूंगा आपका. कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, अगर मैं जा पाऊँ तो मैं खुशी खुशी डेफिनेटली जाना चाहूँगा. बिकॉज मैंने एलिस की जर्नी देखी है, उसके साथ इतने साल से हूँ और मैंने उसके हाइज, उसके लोज, उसकी स्ट्रगल, हर चीज़ देखी है. एंड आई डोंट थिंक क्या, मुझे पता है कि मुझसे बड़ा सपोर्ट उसे इस टाइम पे और कोई हो नहीं सकता. तो पूरी कोशिश है कि मैं जा पाऊँ, अगर गया तो मज़ा आ जाएगा. तुझे क्यों बताओगे, तू क्या भाई है उसका? है? देख लेंगे बाद में क्या फ्यूचर प्लानिंग है. डन. जी. वेल, यू नो, ये हर साल का रिचुअल है जब बर्थडे, यू नो, अद्विक बर्थडे मनाता है और हम सब यहाँ पे, यू नो, इकट्ठा होते हैं. सो इट्स लवली टू बी हियर एंड यू नो बहुत देर सारी मस्ती होगी अंदर, गेम्स वेम्स भी खेलने वाले हैं. सो दिवाली एंड बर्थडे डबल ब्लास्ट होने वाला है अंदर. वेल, है काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ डिजिटल की तरफ है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. मैं खुद बिग बॉस कभी गया नहीं हूँ तो मैं क्या टिप्स दे पाऊँगा. और यू नो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, पर जो भी छोटी मोटी क्लिप्स मैंने देखी है अभी फ़िलहाल, उससे मुझे ऐसा फील होता है कि नायरा अभी तक अपने फुल एलिमेंट में नहीं है. और आई एम श्योर इज गोना यू नो हिट बैक एंड शी इज गोना कम बैक वेरी स्ट्रॉन्गली. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैंने छोटी मोटी क्लिप्स ही देखी है जो इंस्टाग्राम पे चलती रहती है, तो मैं कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ. तो इट विल बी वेरी रॉन्ग इफ आई कॉमेंट एनीथिंग. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है सेलिब्रेट करते हुए. बर्थडे और दिवाली दोनों का सेलिब्रेशन है ये, एंड आई थिंक इससे बेटर टाइम और कुछ हो नहीं सकता. सब लोग अपने घर चले जाएंगे दिवाली मनाने के लिए, तो उससे पहले नेहा और अद्विक ने हमारे लिए एक पार्टी रखी है. तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड बहुत मज़ा आ रहा है. वो पिटता है, हम नहीं ढूंढ के लाते रील्स, वो ही ढूंढ के लाता है. तो वो सारे पिटो, उसको लगता है वो लकी है कि जिस रील में वो पिटता है वो बहुत चल जाती है. तो आई थिंक इसलिए वो पिटने वाली रील्स ढूंढ के लाता है. मैं बिल्कुल भी इन्फ्लुएंसर नहीं देखती अपने आप को, मैं अपने आप को एक्टर ही देखती हूँ. और इसलिए शायद मैं, मुझे इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि आप थोड़ी अच्छी फ़ोटोज़ डाला कीजिए, आप क्या नॉर्मल पिक्चर्स डाल देती हैं, आपको कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, थोड़ा मेकअप करके डाला कीजिए. तो आई एम स्टिल लर्निंग कि कैसे क्या चलाना इंस्टाग्राम. तो फिलहाल इन्फ्लुएंसर तो नहीं बन सकती. नहीं, कोई सीक्रेट वीक्रेट नहीं है. और मुझे, मैं बता दूँ आपको कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, तो इस वजह से मैंने एक्सरसाइज नहीं की. और इस वजह से मैंने एक डाइटिशियन से बात की और उन्होंने 3 महीने में मेरा वेट लूज़ करवाया है. तो बस वही है, कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है. डाइट से वेट लूज़ किया है, पर हाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है डाइट में. शो की अगर हम बात करें, काफी जज साहिबा
मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत डिफरेंट था एज अ मदर मेरे लिए पोर्ट्रे करना लीप के बाद में, और अब क्योंकि तो हमारे जो दोनों बच्चे भी आए वो भी बहुत ही क्यूट हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है और बस अच्छा चलता रहे सब कुछ ऐसे। थैंक यू। हाँ जी, 2-in-1 सेलिब्रेशन है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब उनका हम लेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे चला गया था अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दिवाली भी बस आने ही वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है सारे फ्रेंड्स के साथ आज। मैंने भी बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं, पर अभी उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। आई होप जल्दी आऊँ, और जब आऊँगी तो सबको पता चल जाएगा, पहले नहीं बताऊँगी बिकॉज फिर काम बिगड़ जाता है। यस, हाँ जब तक शूट ना पहुँच जाए, जब तक प्रोमो ना आ जाए, आई थिंक कोई शो को नहीं मानना चाहिए, बिकॉज आजकल शूट होके भी चीज़ें स्क्रैप हो रही हैं, तो या इस नहीं दोस्त नहीं गए, पर इस बार ज़रूर फॉलो कर रही हूँ। यू नो जब शूट कर रहे होते हैं तो टाइम नहीं मिलता, आफ्टर फालतू आई ना कर रही थी, और अभी कोई शो नहीं है तो अभी मैं घर में चिल कर रही हूँ, तो यस आई एम फॉलोइंग बिग बॉस। इन दिनों मैं जिमनास्टिक्स सीख रही हूँ, बाय द वे अपना फ्री टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ, और एज वैज तो चलते ही रहते हैं, अभी एक शूट से ही वापस आई हूँ। हाँ जी, तो फटाफट जैसे ही शूट से फ्री हुई मुझे लगा अब क्या पहनूँ, स्टाइलिस्ट ने एंड मोमेंट कुछ हमारा मिसकम्युनिकेशन हो गया, इट्स लाइक अब मम्मी की साड़ी बचाएगी मुझे, तो मम्मी की साड़ी है। हाँ जी, हाँ जी यार, आई थिंक अभी तो बहुत क्विक है टू जज, पर जो लोग दिखते हैं वही बिकते हैं, तो आई थिंक अविनाश इज़ प्लेइंग ग्रेट, विवियन, चाहत, यही कुछ लोग हैं जो घर में कॉन्स्टेंटली दिखते रहते हैं, तो आई फील या मैं उनसे एक ही बार मिली हूँ, हम लोग दंगल परिवार अवार्ड्स में मिले थे, एंड काफ़ी थोड़ी देर के लिए मिली थी, तो जज नहीं कर सकते, बट शी वॉज़ वेरी स्वीट, तो आई थिंक वो रियल लाइफ में वैसी ही होंगी, तो आई थिंक जिनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है आखिरी में वही जीतते हैं, तो यस। हाँ जी, यार अभी तक मैंने कलर्स के साथ काम नहीं किया, आप लोग विश करो जल्दी करूं, फिर मैं भी चाहूंगी किसी चैनल की लाडली बनना। स्टॉपलेस वेर आर यू, यस हाँ जी, आपके मुंह में घी शक्कर, थैंक यू सो मच। अद्विक भाई का बर्थडे है एंड ही इज द वार्मेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन इन द इंडस्ट्री, और उनके जैसे इंसान ऐसे इंडस्ट्री में बहुत कम देखने मिलते हैं, तो जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो सबको ही बुलाते हैं, सारे यू नो एक तरीके से कहा जाएगा तो पूरी इंडस्ट्री इन्वाइटेड होती है, एंड वो रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे है और मेनटेन करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे, हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं लेकिन अद्विक भाई कभी नहीं, तो उनके साथ ये दिवाली का सेलिब्रेशन और उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन यू नो ये एक यादगार रहने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग सारे लोग काफ़ी सारे लोग एक साथ मिले हैं और ऐसा मिलना हो नहीं पाता है, जनरली सब बिजी होते हैं, सब शूट कर रहे होते हैं, बट आज वो दिन है, सो वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट टुगेदर। इस बार की दिवाली मैं थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं मुंबई से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मे बी आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर अ डे एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई दिवाली देयर। यस, थैंक यू। यस राइट, आई वुड वॉन्ट अ बेबी गर्ल हु इज एग्जैक्टली लाइक श्रद्धा एंड देखते हैं, बट एनी वेज बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो हम प्यार तो उतना ही करेंगे उसे, एंड वी वेटिंग फॉर द डे टू कम, और बहुत करीब आ गया वो दिन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन एनी टाइम सून इन द मंथ ऑफ नवंबर। कर रहा हूँ मैं फॉलो, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं अंदर, तो डेफिनेटली कर रहा हूँ मैं। मुस्कान एंड अविनाश, मुस्कान बिकॉज शी वॉज पार्ट ऑफ द शो आई वॉज डूइंग, एंड अविनाश उसको भी मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ क्योंकि उसके साथ भी मैंने एक शो किया। उतना एग्रेसिव तो नहीं है एग्जैक्टली, यस मे बी बिकॉज उन लोगों ने एक शो साथ में किया हुआ है, और
उन लोग का कैसा बॉन्ड है और कैसा रिलेशनशिप है वो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा खबर तो आई है क्योंकि ऐसा कहा गया था, बट मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या है क्योंकि इस बारे में अविनाश से कोई बात नहीं हुई थी। बट आई ऑलवेज विश कि जो भी अविनाश जैसा भी है, दिल का बहुत साफ है, और जैसा भी वो रियल है वो तो लोगों को 3 महीने में देखने मिल ही जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दैट आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और 2000 एपिसोड, सारे एपिसोड में मैं नहीं था, मैं तो 1.5 साल पहले आया हूँ, बट आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस आइकॉनिक शो जो इतने सालों से चल रहा है और लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द शो। थैंक यू। सोचा नहीं बट कराऊंगी पक्का। आई स्टिल हैव अ मंथ एंड अ हाफ लेफ्ट, तो फोटोशूट आप लोगों को क्या लगता है? चलो, सो व्हेन आई से गर्ल तो जो गर्ल सोच रहे हैं वो हाथ ऊपर कर रहे हैं, फिर जब मैं बॉय बोलूंगी तो बॉय वाला हाथ ऊपर कर रहे हैं। ओके, एक सेकंड, मैं भी रिकॉर्ड करूंगी फॉर माय पर्सनल चैनल। ओके, तमीला जो बोली वही होता है। गर्ल 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 वोट 1, 2, 3, 4, 5, 6 गर्ल, क्या सोच रहे हो? ओके ना, बॉय 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 वाले हाथ खड़ा करे। ओके, आई हैव रिकॉर्डेड बोथ द आंसर्स, अब बाद में पता चलेगा हमें। पता क्या चला था? लगाया था मैंने और किसी ने आके थोड़ी बताया था। सुनो दीदी, ये सब लोग ने दे दिए है। पारस तो गॉट मी अ टेडी बेयर, इतना बड़ा है वो कि उसके लिए मैंने बोला अब मुझे घर भी खरीद के दे जिसमें वो हम रखे, बिकॉज आई डोंट इवन हैव सच बिग स्पेस, बट इट्स वेरी क्यूट ऑफ हिम टू डू दैट। और अंजुम ने बड़े प्यारे वो नज़रिए दिए, और somebody gave a car seat and stuff, yeah, a lot of things. मैं थोड़ी मैनेज कर रही हूँ, वो तो मेरा पति मैनेज कर रहा है मेरे मूड स्विंग्स। उनसे पूछो कैसे मैनेज कर रहे हो मेरे मूड स्विंग्स। जितना मैं इंजॉय कर पा रही हूँ विद ऑल द, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट यू नो, it's not just comfortable or happy time and all the time you are, you know, in a good mood or all, there are different symptoms. So some days are very very confusing and very very when you feel sick, so wo bhi bear karna padta hai, but considering all that be matlab it's a very very big thing that is happening in life, and I'm only, I try to look at that only. I'm still shooting, mujhe lagta hai main shoot karungi fir shaam ko jaake bachcha 2000 episode ho chuke, kya kehna chahiye starting se aap 2000 bahut badi journey hai. I think I don't know how many actors have done that. आप ही है मेरी। हेलो, कैसे हो दोनों? क्योंकि तुम्हारा टाइम है अभी ऐसे होने का, हमारा हो गया। ये राइट में, राइट में, राइट में।
So yes, Kundali has completed 2000 episodes and I think बहुत कम actors को ये सौभाग्य होता है कि वो मतलब एक show में इतने लंबा चले कि वो 2000 episodes पूरे कर ले. So I'm very grateful and I'm very very lucky I think and my bond with Balaji Telefilms, Ekta Kapoor, Zee TV, I think it's forever. पारस और बसीर उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखाई दे, क्लिप्स बहुत बनते सोशल मीडिया में, क्या फूड खिला रही हो या कुछ आप चले अब ये क्या, मैं किसी की बर्थडे पार्टी में आई हूँ पूरी, तू अपनी सास बहु शुरू कर देता है. भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, आप लोगों को सबको बहुत सारी कामयाबी मिले और सबके खाते में कम से कम एक गाड़ियां और बहुत शानदार एक घड़ी आए, वो घड़ी जो वक्त नहीं आपका समय दिखाता है. Hi guys, this is Isha Pathak and you're watching me on Glitz Vision. Thank you.